आज हम करेंगे मैथ्स की 4.2। 4.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी हम करेंगे 4.2। आप अपना मैथ्स ओपन कर लीजिएगा। यस, ये है 4.2। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हमने जो 4.1 में किया था वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप से क्वेश्चंस करे हुए हैं और ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में 46 को 12 से मल्टीप्लाई किया गया है। 46 को 12 से मल्टीप्लाई किया गया और आप देख रहे हैं कि 4 स्क्वेयर्स बना दिए, 4 डिब्बे, और उनके हर एक कॉर्नर्स को कट कर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये एक डिब्बा इस तरह से, ये एक है, फिर ये सेकंड है और ये थर्ड, और ये फोर डिब्बे बनाए हैं, 4 स्क्वेयर्स बना दिए हैं और इनमें फिर क्रॉस कर दिए हैं। ठीक है, करना क्या है, जैसे कि आप 12 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली ऊपर नीचे रख के हॉरिजॉन्टली, तो उसमें हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को। पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कोई कैरी कुछ नहीं करना है, इसमें पूरा पूरा लिखना है। देखिए, 4 1 4, तो खाली 4 आया तो ऊपर वाले बॉक्स में 0 डाल दिया, नीचे वाले बॉक्स में 4 डाल दिया, और 4 6 6, यानी ऊपर वाले बॉक्स में 0, नीचे वाले में 6। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 8, इसमें फिर 8 नीचे वाले बॉक्स में और ऊपर वाले में 0 है। ऊपर वाले का मतलब है टेंस का, ये बॉक्स है टेंस में। अगर हमारे पास आगे जो क्वेश्चन करवाऊँगी उसमें आपको दिखाऊँगी, समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या लिखना है। ये आ गया नेक्स्ट, चलो आ ही गया 2 6 12। 2 6 12, देखिए 2 डिजिट आ गए ना, इसमें ऊपर वाले में 1 लिखना, नीचे वाले में 2 लिखना है। अब ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। अब क्या करना क्या है, इसको प्लस कैसे करेंगे, क्या हम ऊपर नीचे प्लस करेंगे? नो, हम करेंगे जैसे ये 2 का 1 प्लस कर दिया, 2 खाली 2 है, सेकंड बॉक्स में हमारे पास 8 और 1 9 है। पहले में 2 है, दूसरे में 8 1 और 6 है, ये एक लाइन में आ रहे हैं, एक सीध में आ रहे हैं। ये देखिए 6 1 और 8, इनको जब हम प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से आपको क्या करना है, 10 माइनस कर देना है, यानी कि एक टेंस बच जाएगा और वो नेक्स्ट नंबर में प्लस करेंगे हम। 15 का यहाँ 5 रह जाएगा और एक जो हासिल जिसे कहते हैं वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। देखिए, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास टोटल में ये 4 थे, 4 के साथ हमने 1 प्लस कर दिया। कहाँ से प्लस किया, वो 8 1 6 की लाइन से जो आया था वो यहाँ प्लस कर दिया और ये 100 बन गया, 500। और इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 5 5 और 2। ये देखिए, ये 500 का है और ये 5 यहाँ टेंस का आ गया और ये 2, 552। राइट, सेकंड क्वेश्चन है ये, आपका थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसमें 43 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें आपको पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8, 08 आ जाएगा, 2 3 6, 06 आ जाएगा, 5 4 20 है तो ऊपर वाले बॉक्स में 2 और नीचे वाले बॉक्स में 0 आएगा, क्योंकि 2 जो है वो टेंस का नंबर है ना, टेंस वाला नंबर ऊपर आएगा और वंस वाला नंबर नीचे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 1 ऊपर आ गया, 5 नीचे। फिर उसी तरह से प्लस करना है, जैसे जैसे आपकी तिरछी लाइनें लगी हैं वैसे वैसे आपको बॉक्सेस में प्लस करना है। पहले बॉक्स में सिर्फ 5 है, पहले कॉर्नर पर 5 का 5 लिख दिया, सेकंड में 6 और 1 7 होते हैं तो फिर 7 लिख दिया, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे 7 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट लाइन में 2 और 8 और 0 है तो 2 8 10 हो गया और इसको 10 का 10 ले लिया, तो इस तरह से हमारे पास आ गया 10 7 और 5, तो ये हमारा आंसर हो गया 1075, यानी 1075। अभी आपको मैं फोर्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसमें से ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपको करना है बस, अब बाकी क्या आपको समझ में आ जाएंगे अपने आप से, ये मैंने समझाए आप करके देखिएगा। 3 का टेबल आप पढ़ेंगे 2 सा तक, 3 2 सा 6, ठीक है, और फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 9 सा तक, ये 3 9 सा 27। देखिए, 2 ऊपर लिख दिया और 7 नीचे लिखा है। फिर आप 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 सा 2, इसमें ऊपर 0 नीचे 2 है। फिर करेंगे 1 को 9 से, 1 9 सा 9, ऊपर 0 नीचे 9, और फिर उसी तरह से हम
क्रॉस में ही प्लस कर लेंगे। देखिए पहले बॉक्स में हमारे पास 9 है, दूसरे बॉक्स में हमारे पास 0 है, 2 है, 0 है और 7 है। 2 0 7 को प्लस करेंगे तो 9 आया, देखिए मैंने 9 लिखा है यहाँ पे। इसके बाद है 0 6 2, इनको प्लस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, 800 आ गया, 9 10s आ गया और 9 1s आ गया, तो हमारा आंसर बन गया 899। और इसी तरह से ये बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, बहुत सिंपल हैं करने में। अगर आपको जैसे ये वाला बताया था मैंने, अगर ज़्यादा आ जाता, 10 से ज़्यादा आ जाता, जैसे 8 1 9 9 और 6 15 आया था, तो इसमें से एक 10 माइनस कर देंगे, माइनस करके 5 बच जाएगा, तो 5 तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास ये वाला 5। और ये जो एक 10 है, वो एक 10 का मतलब 1 इसमें नेक्स्ट 100 में प्लस कर देंगे और फिर हमारा आंसर एकदम सही आ जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे है, पहले आप ऐसी मल्टीप्लिकेशन नहीं किए, लेकिन ये एकदम नया मेथड है और इंटरेस्टिंग है। आप इसमें अपने मर्जी से भी कोई नंबर लेकर कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।